बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस के स्पॉन्सर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो जो 2018 में एक्साइज एंड टैक्सेशन पेपर 2018 जो 21/10/2018 को पेपर हुआ था, तो उसको आज हल करके अपलोड करने जा रहा हूँ। और आज उसी सिलसिले का पार्ट फर्स्ट है, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, एक ही वीडियो में कवर नहीं हो सकते, कुछ एक्सप्लेनेशन भी चाहते हैं, तो इसलिए इसको मैंने बाय पार्ट्स कुछ पार्ट्सों में डिवाइड किया हुआ है। और आज उसका फर्स्ट पार्ट है। देखें, मेरे पास कंप्लीट पेपर मौजूद है, कोई बात ऐसी नहीं है। देखें दोस्तों, ये वो पेपर है जो कि 21/10/2018 को हुआ था, और ये ABC लाहौर रीजन का एक्साइज एंड टैक्सेशन नारकोटिक कंट्रोल डिपार्टमेंट का है। ये कंप्लीट पेपर है, चूंकि पेपर इसमें सही नजर नहीं आ रहा, इसीलिए इसको मैंने एमएस वर्ल्ड में कॉपी किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, कैसे करते हैं देखें। ये भी याद रखने की बातें हैं दोस्तों, ये पेपर जो है ना, ये वाला ये है, देखें दोस्तों, ये पेपर कोड ए वाला है, पेपर कोड ए, इसमें से ABC कोड होंगे, ठीक है। तो उसमें सिर्फ इतना है कि क्वेश्चन जो है ना, ये शफल किए हुए हैं, इसमें क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं, क्वेश्चन तमाम के तमाम एक जैसे होते हैं, तमाम क्वेश्चन एक जैसे होते हैं, लेकिन वो शफल होते हैं, कुछ आगे होते हैं, कुछ पीछे होते हैं, नकल से बचने के लिए कि स्टूडेंट नकल न मारे, ठीक है, जो चीटिंग न करे, इसलिए इसको कोड्स में तकसीम किया हुआ है। तो आज का जो मेरे पास पेपर है वो है कोड ए का। तो देखें, शुरू करते हैं इसको। इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1, दिस वन, द नेम ऑफ द पावर पॉइंट फाइल कैन बी सीन ऑन। तो देखिए, ये हुआ सिर्फ पावर पॉइंट की बात नहीं है दोस्तों, ये जितने भी ऑफिस के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, तमाम के तमाम हमारे पास इस यहां पर देखिए मेनू बार दिया हुआ है, टाइटल बार, स्क्रोल बार एंड स्टेटस बार, तमाम सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपके बता देना चाहता हूं। मेनू बार जो है ये ऑफिस 2007 में नहीं है, अब ऑफिस 2007 और इसके बाद इसमें मेनू बार हटाया गया है, और 2007 और इससे पहले जितने भी ऑफिस थे उसमें मेनू बार हुआ करता था। यहां पर आजकल ये टैब नजर आ रहे हैं ना दोस्तों, तो इसकी जगह पर मेनू बार हुआ करता था, फाइल इसी तरह फाइल एडिट से वगैरह हुआ करता, ठीक है। तो टाइटल बार जो है ना, टॉप सबसे पहले जो ऊपर ये पट्टी नजर आ रही है, इसको टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार क्या, कौन सा है, सबसे टॉप पर जो पट्टी आपको नजर आ रही है ना, ये वाला, ये सबसे ऊपर वाली, इसको टाइटल बार कहते हैं। और इस टाइटल बार का काम क्या है, इस टाइटल बार का काम ये है कि ये आपको करंट प्रोग्राम, जो प्रोग्राम ओपन होगा वही उसका नाम दिखाएगा आपको, जिस तरह इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड प्रोग्राम ओपन हुआ है, और इसके साथ साथ जिस फाइल में आप काम करते हैं उसका नाम भी आपको दिखाएगा। जिस तरह इस फाइल का नाम मैंने लिख रहा हुआ है, एक्साइज एंड टैक्सेशन पेपर 21/10/2018 का, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन तो हमें पता चल गया कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्क्रोल बार किसे कहते हैं, स्क्रोल बार जब आप इसके विंडो के राइट साइड को देखें दोस्तों, ये वाला नजर आए, तो ये दो किस्म के स्क्रोल बार होते हैं, एक होता है वर्टिकल स्क्रोल बार, ये ऊपर नीचे जाता है, वर्टिकल कहते हैं, और इससे नीचे स्टेटस बार के ऊपर एक बार होती है, उसको हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार कहते हैं। स्टेटस बार जो सबसे कमाल की चीज है विंडोज में, जितनी ये सॉरी ऑफिस में, स्टेटस बार ये सबसे बड़ा कमाल की चीज है, और सबसे बॉटम में जो लाइन है ना, जो पट्टी है ये वाला, ठीक है दोस्तों, ये पूरी पट्टी, इसको स्टेटस बार कहते हैं। इसके बहुत सारे कमाल आते हैं, टाइम आने पर इसको भी बताता चलूंगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास देखिए, दिस वन, ये लिखा हुआ है लुक एट दिस सीरीज। सीरीज इंतहाई इजी है, सिर्फ इतना क्या हुआ कि इसको रोमन अल्फाज में लिखा हुआ है, तो रोमन अल्फाज में शर्म जरा मुश्किल नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले लिखे ये 5 है, आगे 8 है, फिर 11 है, 14 है। आपने इसमें मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि आपने इसमें से रिलेशन देखना है कि इन दो सीरीज में आपस में इनमें रिलेशन क्या है। अब देखिए, 5 के साथ अगर आप 3 जमा करें तो क्या बनेगा, 8, 8 के साथ 3 जमा करो 11, 11 के साथ 3 जमा करो 14, 14 के साथ 3 जमा करो तो 17 बन जाएगा, और 17 के साथ 3 फाइल प्लस करें तो 20 बन जाएगा। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। अगर इस तरह के क्वेश्चन को ऐसा हल करना है कि आपने इसको अपने जो हमारे पास डिसिमल नंबर है ना, 5, 8, 11, 14, इसमें कन्वर्ट करो, इसमें तब फिर आपको आसानी रहेगी,
ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर तीन को देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे पास है दिस वन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर ये आर्टिफिशियल एनर्जी है जिसको क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, और इसका मतलब जो है दोस्तों ये है टू यूज इट एज एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। सी इसमें ऑप्शन वन को देखिए, टू किल द एनिमी नेशन, ये भी एक हद तक सही है, लेकिन पर्पस जो भी लोग ये एनर्जी क्रिएट करते हैं उनका पर्पस ये नहीं होता कि इससे लोगों को किल किया जाए, तो इसका अहम मकसद जो है वो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्वेश्चन नंबर फोर को देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर हमारे पास है दिस वन, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान नेवी। पाकिस्तान पहला कमांडर इन चीफ नेवी का जो था दोस्तों वो एक गालिबन अंग्रेज था, ठीक है, लेकिन यहां पर लिखा लफ्ज लिखा है मुस्लिम, तो सबसे पहले मुस्लिम कमांडर इन चीफ जो था वो एडमिरल मोहम्मद सिद्दीक, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव को देखिए, क्वेश्चन नंबर पांच हमारे पास है देखिए, व्हाट आर कॉलम्स ऑफ द पीरियाडिक टेबल कॉल्ड। पीरियाडिक टेबल केमिस्ट्री में आप पीरियाडिक टेबल को देखिए तो उसमें कॉलम्स होते हैं ऊपर नीचे, रोज होते हैं लेफ्ट टू राइट, तो रोज जो होते हैं उसको पीरियड्स कहते हैं, ये भी याद रखने की बात है, ठीक है। ऑप्शन वन जो है ना पीरियड्स, ये रोज को कहते हैं, और कॉलम जो होते हैं उसको ग्रुप्स कहते हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ना ये करेक्ट है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा होता है कि व्हाट आर द रोज कॉलम, तो उस पर फिर ऑप्शन वन करेक्ट होता। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, दिस वन डिटर्मिनिज्म इज द अपोजिट ऑफ डिटर्मिनिज्म, कहते हैं किसी को फोर्सफुली किसी चीज पर मजबूर कर देना, फोर्स कर देना, डिटरमाइन के माने इरादे करना है, लेकिन यह अलग से डिटर्मिनिज्म, तो आजाद और पाबंद, तो यहां पर इसका अपोजिट जो है हमारे फ्री विल, ऑप्शन ए दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए, द हज पिलग्रिम्स आर रिक्वायर्ड टू वेयर एहराम एट द प्लेस कॉल्ड। जब हाजी साहिबान हज पर जाते हैं तो क्या करते हैं कि एहराम बांधते हैं, एक मुकाम आते हैं उसका एहराम बांधते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा है कि पाकिस्तान में यहाँ पर हम एयरपोर्ट में एहराम बांधते हैं, क्योंकि मुकाम जो होते हैं ना वो हमारे पास हवाई जहाज में से गुजरता है, वहां पर पता नहीं चलता, तो लेकिन उस मुकाम को जो है ना वो मीकात कहते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर एट हमारे पास है दिस वन, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर आल्सो रिफर टू एज द ड्यूरेल लाइन। पाकिस्तान अफगान का जो बॉर्डर है उसको ड्यूरेल लाइन कहते हैं, कहते हैं इसकी डिमार्केशन कब हुई थी, ये कब ड्रॉ की गई थी, ये ड्यूरेल नामी शख्स ने ड्रॉ किया था 1893 में, तो इसकी लंबाई कितनी है, इस तरह अपने जितने भी है ना हमारे बाउंड्रीज बॉर्डर जो है जितने ममालिक के साथ लगते हैं उनको कहते क्या है, कब डिमार्केट हुए थे, किसने डिमार्केट किए थे, और उनकी लेंथ क्या है, सब को आपको पता होना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर नाइन पाकिस्तान बिकेम फुल मेंबर ऑफ शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, ठीक है, तो ये है क्या, पहले तो ये तो जानने की कोशिश करते हैं, SCO शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, इट वॉज फाउंडेड इन शंघाई बाय द लीडर्स ऑफ चाइना, देखिए पांच ममालिक थे उस वक्त, चाइना रशिया कजाकिस्तान कर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान, और 2001 में इसको फाउंड किया था। इसके प्रोसेस इसके एम्स क्या थे, मकासद क्या थे, सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न, रिजॉल्विंग बॉर्डर इश्यूज, बॉर्डर के जो मिलिट्री कोऑपरेशन भी थे, इंटेलिजेंस शेयरिंग, काउंटरिंग टेररिज्म, काउंटरिंग अमेरिकन इन्फ्लुएंस इन सेंट्रल एशिया, लेकिन बाद में शुरू में इसमें पांच थे, बाद में इन्होंने अपने इसको वसी किया और इसमें उज्बेकिस्तान भी शामिल हो गया और इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक ही वक्त में 9 जून 2017 को इसमें शामिल हो गए थे, तो यहां पर ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर टेन हमारे पास है, द लार्जेस्ट इंटरनेट यूजिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज, लार्जेस्ट सबसे ज्यादा जो है वो क्या है, चाइना है,
दूसरे नंबर पर इंडिया एंड थर्ड वन इज यूएसए. ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए. क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, द फर्स्ट माइग्रेशन ऑफ द कंपेनियंस एंड रिलेटिव्स ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. कंपेनियंस सहाबी रिलेटिव्स में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजा भाई भी शामिल थे, जाफर बिन तैयार के जो भाई थे, कि इन्होंने जो हिजरत की थी, इस्लाम में पहला हिजरत जो हबशा की तरफ था, उस वक्त उसको अब्बासिनिया कहते हैं और उसका न्यू नाम जो है इथियोपिया है. अब आजकल इसको इथियोपिया कहते हैं, उस वक्त अब्बासिनिया इसको कहते थे. तो उसमें इसमें तकरीबन 11 मर्द और 4 औरतें थे, कुछ इस तरह थे, आप खुद देख लें. फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12. दिस इज द क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन नो टैरिफ्स आर इम्पोज्ड ऑन ऑल इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, इट इज कॉल्ड इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट. दरामदात और बरामदात पर जब टैक्स नहीं लगाई जाती, टैरिफ्स एक किस्म के टैक्सेस हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको फ्री ट्रेड कहते हैं. फ्री ट्रेड यहाँ पर देखें हमारे पास, ये हमारे पास फ्री ट्रेड, ये देखें ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस वन देखें, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, इन अ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर में ब्लैंक स्पेस से वर्क इन द सिमिलर फैशन एज फाइल्स इन फोल्डर्स आर फिजिकली मेंटेन इन रियल वर्ल्ड ऑफिसेस. यहां पर ऑप्शन डी को देखिए, डायरेक्टरीज, एमएस डॉस में जिसको हम डायरेक्टरीज कहते हैं, एमएस डॉस में, लिनक्स, यूनिक्स में फोल्डर जो होते हैं उसको डायरेक्टरीज कहते हैं, डॉस में लिनक्स एंड लिखते हैं. तो ये डायरेक्टरीज जिस तरह हम प्रोफाइल हम रियल लाइफ में मैनेज करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें सी है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन है सी. आगे क्वेश्चन नंबर 14 ये हमारे पास है, यूजेनिक्स रिलेट्स टू, जीन से निकला हुआ है एंड दिस इज रिलेट टू इंप्रूवमेंट ऑफ स्पीशीज, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, व्हाट डू यू सी इफ यू हावर द माउस ओवर अ चार्ट ऑब्जेक्ट. एक्चुअली आपने चार्ट बनाया हुआ है, उसमें जो ऑब्जेक्ट्स है, कॉलम है वगैरह वगैरह जो भी है, उस पर जब आप माउस लेके जाते हैं तो वो आपको क्या दिखाते हैं, ये आपको वो आइटम दिखाते हैं जिसके बेस बुनियाद पर वो बना हुआ है, तो उसको हम चार्ट की कहते हैं. ऑप्शन डी आई थिंक इट इज द करेक्ट ऑप्शन. आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, ये एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको आप रीड कर सकते हो, तो रिकलर लिखा हुआ है, द प्रेस्टिजियस मैग्सेसे अवार्ड आर नेम आफ्टर रोमन, इस सबको पढ़ो, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है, प्रेसिडेंट ऑफ द फिलीपींस, फिलीपींस का प्रेसिडेंट था और 17 नंबर प्रेसिडेंट था ये शख्स. कहते कि जिसके नाम से अवार्ड दिया जाता है ये कौन था, कहां से ताल्लुक रखता था, तो ये फिलीपींस का सादिका सदा था. ओके, क्वेश्चन नंबर 17 द कल्चरल सेंटर ऑफ एंशियंट गंधारा सिविलाइजेशन वॉज लोकेटेड एट टैक्सला, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, दिस वन, हु पोस्टुलेटेड द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, न्यूटन, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन इज सी. क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, दिस वन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम टू ड्राइव होम, इसके करेक्ट मीनिंग जो है ये ऑप्शन डी, टू एम्फसाइज अ पॉइंट. ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट, दिस वन, एक्सपोजर टू सनलाइट रिजर्व्स इंफॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी इन द बॉडी, दिस इज विटामिन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. तो ये थी दोस्तों इस पेपर का पार्ट वन, बाकी इंशाल्लाह 4 पार्ट मजीद जल्दी जल्दी अपलोड करता जाऊंगा, और इसके बाद इंशाल्लाह पेपर जो 20 तारीख हुआ था उसको भी लोड करूंगा. दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.